फ़ोटोशूट मेरे लिए बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज पहली बार मेरा पूरा परिवार मतलब माय वाइफ एंड माय डॉटर टीना एंड रेहा दे बोथ आर गोइंग टू बी ऑल थ्री ऑफ यू नो थ्री ऑफ अस आर गोइंग टू कम टुगेदर एंड हम लोग शूट करेंगे एंड जयेश जो मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं बहुत ही वेल नोन फोटोग्राफर हैं उनको मैंने कहा कि ऐसे ऐसा ऐसा हम शूट करते हैं तो पूरा परिवार जो है काफ़ी एक्साइटेड है आज एंड जैसा कि कहते हैं ना कि यू शुड लिव बाय द मोमेंट सो इट्स अ बिग मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। आज तक मेरे कैरियर में फर्स्ट टाइम हुआ कि पूरा फैमिली के साथ में कोई सेलिब्रिटी फोटोशूट कर रहा है, तो ये आइडिया किसका था? जी ये आइडिया मेरा ही था क्योंकि जब भी मैंने जयेश के साथ फोटोग्राफ्स यू नो खींची हैं हमने फोटोशूट किया है और मैं घर जाके आई एम शोइंग देम एंड वो काफ़ी एक्साइटेड होकर यू नो दे सी माई पिक्चर्स माई वाइफ एंड माई डॉटर एंड फिर मैंने सोचा कि वाई नॉट कि चलो हम लोग तीनों सब तीनों मिलकर करते हैं कभी ऐसा हुआ नहीं है एंड मेरी बेटी को भी शौक है यू नो कहीं ना कहीं शी इज़ गॉट एन एक्टर इन हर एंड माई वाइफ ऑल्सो आई थिंक शी इज़ अभी सिंस मैं कोई शूट नहीं कर रहा तो वो मुझे बताती हैं कि देखो ऐसे ऐसे एक्टिंग करनी चाहिए तो मुझे एक्टिंग सिखा रही है वो काफ़ी घर पे काफ़ी टिप्स मिल हाँ बहुत बहुत काफ़ी टिप्स मिल रहे तो मैंने बोला कि चलो ठीक है तुम आओ फोटोशूट करते हैं साथ में तो तुम्हें भी मज़ा आएगा। कितने चेंजेस होने वाले? देखिए तीन चेंजेस होंगे एंड पहला तो ये है ट्रेंडी स्पोर्टी लुक टी शर्ट्स डेनिम जैकेट कैजुअल वेरी वेरी कैजुअल एंड लिटिल थोड़ा सा कूल रखा है सुपर ड्राई लेटेस्ट कलेक्शन इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग एंड उसके बाद है टक्सीडो लुक आई थिंक डिनर जैकेट आई जस्ट फेल्ट दिस दैट यू नो बो हमेशा मैं टाई ही पहन के रेड कार्पेट्स मैंने अटेंड किए दिस टाइम आई वॉन्टेड टू वेयर अ बो एंड द टक्स बिकॉज आई वॉन्टेड टू फील लाइक जेम्स बॉन्ड एंड my wife is going to be wearing a gown. I just feel that ki, you know see I'm 38 now and mujhe aisa laga tha mere career mein ki main by this time I'll be meeting the presidents of different countries main I'll be meeting the ambassadors to ab wo sab hua nahi to main apne shauk poore kar raha hu yahan par red background pe I'm trying to wear those clothes which I think I can wear when I'm in the White House. ओके आपके डॉटर की बात की जाए तो डॉटर हमेशा अपने फादर के बहुत क्लोज रहती है तो आपकी बॉन्डिंग के बारे में क्या कहना चाहिए आपके डॉटर के साथ? ओह मेरी डॉटर और मैं मतलब हम लोग दंगल करते हैं साथ में। अब आप ये सोच लीजिए कि मतलब शी इज़ माय एवरीथिंग एंड जैसे ना कि वो दस मतलब शी इज़ लाइक डॉटर्स आर द बेस्ट एंड कहीं ना कहीं मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक डॉटर का एक स्पेशल रिलेशनशिप फादर के साथ होता ही है एंड वो है हम साथ में बास्केटबॉल खेलेंगे बैडमिंटन खेलेंगे स्पोर्ट्स साइकिलिंग आई टॉट हर साइकिलिंग एंड हर चीज़ में लाइक पापा आई वांट टू डू दिस आई सेड चलो एंड देन देर आर टाइम्स व्हेन शी टेल्स मी यू नो सर्टेन थिंग्स एंड अभी उनका अभी मेरे कुछ महीनों से मेरा शो नहीं है ऑन एयर एंड वो भूल गई हैं कि मैं एक्टर हूँ एंड ये बहुत बड़ी दिक्कत है मेरे लिए एंड मैं पहले पूछता था कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है तो कहती थी पापा यू आर माई फेवरेट एक्टर यू आर माई बेस्ट एक्टर एंड अब मैं पूछता हूँ कि हु इज़ योर फेवरेट एक्टर वरुण धवन ऐसे वरुण धवन और मैं सोचो 2000 रुपये खर्च करके उसे सुई धागा भी दिखा रहा हूँ एंड मतलब फादर मतलब इस ऐसी सिचुएशन में मैं हूँ कि हम लोग जुड़वा देखते हैं राजा उसे बहुत पसंद है एंड बेस्ट पार्ट इज़ वेरी स्वीट ऑफ वरुण धवन दैट यू नो हमने वीडियो शूट किया एंड वी सेंट इट टू वी ट्वीटेड टू वरुण और वरुण ने भी रिप्लाई किया रेहा को तो रेहा ने स्कूल में जाके कहा कि यू नो वरुण एंड मी आर फ्रेंड्स नाउ तो रेहा को बड़ा अच्छा लगता है कि अभी आएगी रेहा तो आप पूछना उससे कि क्या बात है आप वरुण और आप फ्रेंड्स हो गए एंड शी इज़ वेरी स्मार्ट एंड आई लव दैट एंड कभी कभी यू नो आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन मेरा एक सिंपल सा मानना है कि लाइफ में बॉस आप मेहनत कीजिए हार्डवर्क पैशनेटली काम कीजिए और ऑनेस्ट रहिए क्योंकि ज़िंदगी जो है ऐसे ऊपर नीचे जाएगी एंड कभी आप जब आप ऊपर जाओगे तो आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचोगे भी नहीं और जब आप ज़िंदगी आपकी जब नीचे जा रही होगी तो आप छोटी छोटी बातों के बारे में सोचोगे तो उस वक्त भी आपको पॉजिटिव रहना है और यू हैव टू सी टू इट दैट कीप योर फैमिली क्लोज टू यू बिकॉज फैमिली जो एक ऐसी यू नो ऐसे लोग हैं जो आपके साथ ज़िंदगी भर यू नो आपका साथ देंगे नो मैटर वॉट एंड आपकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ भी आपकी फैमिली की वजह से ही आएंगे एंड देर हैव बिन डेज वैन आई थिंक यू नो आई बिन लिटिल डाउन कि यार एक शो था जो मैं उम्मीद लगा के बैठा था कि यार मुझे बहुत बड़ा मौका मिल रहा है मुझे एक बिकॉज
भले ही मुझे 16 साल हो गए इंडस्ट्री में, लेकिन हर दिन मेरे लिए एक नया दिन है. यू नो आई वांट टू वर्क विद द बेस्ट पीपल. एंड वो फिर शो हुआ नहीं. एंड मैं घर आया, बहुत मायूस था. एंड मैंने रेहा से हाय पापा, ऐसे हाय रेहा हो गया. उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, और रेहा आई, उसने मुझे यू नो हग किया एंड शी सेड, यू नो व्हाट पापा, यू आर माय मोस्ट फेवरेट एक्टर. तो मैं बहुत हैरान हो गया, बिकॉज इट्स ऑलवेज वरुण धवन वरुण धवन वरुण धवन, एंड देन शी सेज यू आर माय मोस्ट फेवरेट, एंड शी जस्ट मेड मी फील वेरी गुड एंड आई वॉज वेरी हैप्पी. एंड फिर मैं उसके बाद यू नो नेक्स्ट डे जब थोड़ा सा नाटक करने के लिए कि अच्छा रेहा हु इज़ योर फेवरेट एक्टर, वरुण धवन. तो ऐसा नहीं है कि वो एक वो मैजिकल मोमेंट था यू नो फॉर मी. तो दैट वे यू नो दीस थिंग्स आर देयर विद रेहा. ओके, ये बॉन्डिंग की बात होगी. फैशन की बात करें तो आपके घर में कौन आपके जो कपड़े वार्डरोब देखता है, आप पर्सनली या आपकी वाइफ? देखिए शादी से पहले मैं देखता था सब कुछ. गए दुकान में, बॉस ये जीन्स दे दो, ये टी शर्ट दे दो, ये, और एक ही दुकान में जाके सब कुछ लेना. मतलब डोंट थिंक टू मच, मतलब आधे घंटे में शॉपिंग डन. बट शादी के बाद वही चीज़ें मैंने जब करने की कोशिश की तो मैं बहुत बुरी तरह से फेल हुआ, क्योंकि मुझे कहा गया कि नहीं ये टी शर्ट अब इतनी अच्छी नहीं है, हम उस दुकान में जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे. एंड जिसे कहते हैं ना विंडो शॉपिंग. सो आई थिंक एंड माई वाइफ हैज़ अ वेरी गुड सेंस ऑफ फैशन. शी इज़ वेरी गुड यू नो विथ क्लोथ्स एंड एवरी थिंग. सो आई टेक हर एडवाइस वेरी सीरियसली. एंड मैंने ये चीज़ नोटिस की कि जब भी आई हैव वोन वॉट शी हैज सजेस्टेड मी टू वेयर, पीपल हैव गिवन मी अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स. तो इट वर्क्स. तो ठीक है, अभी वो है नहीं यहाँ पर तो उनकी ज़्यादा तारीफ कर सकते हैं अभी, कि शी प्लेज़ अ वेरी बिग रोल. बट एट द सेम टाइम आई व्हेन आई गो थ्रू फैशन मैगजीन्स, जब मैं देख रहा हूँ कि ग्लोबली क्या चल रहा है एंड व्हाट पीपल आर वेयरिंग, व्हाट डिज़ाइनर्स आर सजेस्टिंग यू टू वेयर, अगर माइनर चेंजेस के साथ इफ आई कैन वेयर इट, व्हाई नॉट. ओके सर, अपकमिंग प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो आपको हमेशा जब भी आप स्क्रीन पर बहुत ही प्यार मिला है, शाका लागा मुंह हो जाए, अदालत हो जाए, कोई भी हो जाए, आपको बहुत प्यार मिला, कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जो आप लेके आ रहे हैं और रिया को सरप्राइज करने वाले स्पेशली? जी, मेरी पूरी वही कोशिश है. एक अभी प्रोजेक्ट इज स्टिल इन द राइटिंग प्रोसेस एंड होपफुली नवंबर में इट्स गोना कम ऑन एयर, एंड नवंबर एंड या दिसंबर में. इट्स अ वेब सीरीज राइट नाउ. एंड ये बड़ा एक बहुत बड़ा एक मसला हो गया, क्योंकि कुछ कुछ शोज़ हैं जो मैंने सोचा कि यू नो ऑडिशंस जब मैं गया या मैंने किए, एंड आई न्यू वेरी वेल कि ये माय डॉटर विल नॉट बी एबल टू वॉच इट. अभी मैंने बीच में, हालांकि यू नो मैं कभी एपिसोडिक्स नहीं करता, लेकिन मैंने एक दो एपिसोड्स भी किए ये सोचकर कि चलो यू नो यू आर वर्किंग विद अ प्रोडक्शन हाउस, आप पहली बार एक जन के साथ काम कर रहे हैं. बट फिर मैंने घर पर किसी को बताया नहीं कि वो आने वाला है ऑनर. तो मैं ऐसा काम आई प्रेफर नॉट टू डू, क्योंकि मेरा लास्ट शो जो था वो था चलती का नाम गाड़ी विद सुशी रोड. एंड वो काफ़ी अच्छा, इट वाज अ ग्रेट शो वेयर यू नो आई एम टॉकिंग टू अ कार, एंड बहुत ही फन फैमिली ओरिएंटेड, एंड रेहा को भी बड़ा मज़ा आया वो देखकर. तो ऐसे शोज अगर करने को मिलेंगे तो इट बी ग्रेट. ओके, बिग बॉस की बात करें, सुशी रोड बिग बॉस में, लेकिन उन्होंने बिग बॉस जाने के पहले एक फोटोशूट कराया था. आपका भी एक फोटोशूट आ रहा, काफ़ी बज क्रिएट हो रहा है कि आप भी बिग बॉस में शायद वाइफ का डेट पे जाने वाले, तो क्या करना चाहिए इसके बारे में? बॉस वेरी फ्रेंकली, पहली बात सृष्टि रोड बिग बॉस में गई है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं कभी सोच सपने भी नहीं सोच सकता था. बस आ रहे हैं कि आप भी जाएंगे वाइज पर एंट्री. नहीं, आप अभी तक तो ये नॉर्मली बिग बॉस सी चक्कर ये हुआ है कि जब लास्ट ईयर व्हेन शिल्पा वेंट इन बिग बॉस, उसके बाद मीडिया स्टार्टेड राइटिंग द फैक्ट दैट यू नो आई माइट बी कमिंग इन द शो. एंड मैंने उस वक्त भी कहा था कि नहीं, मुझे किसी ने अप्रोच नहीं किया है. इस साल भी वही हुआ कि लोगों ने फट से लिखना शुरू कर दिया इंस्टाग्राम पे कि यू नो ही माइट बी वन, एंड मैंने उन्हें लिखा कि प्लीज़ डोंट राइट इट ऑन द सोशल मीडिया कि ये अफवाह है, ये मत बोलिए आप. अभी फ़िलहाल बाकी जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, मुझे सब अच्छे कंटेस्टेंट्स लग रहे हैं. एंड इस बार जो लोग आए हैं तो हैट्स ऑफ टू द बिग बॉस पैनल, सेलेक्शन पैनल. एंड इफ़ आई एम ऑफर्ड, आई विल डेफिनेटली कंसिडर इट, लुकिंग इन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स. एंड आई वुड से दिस टाइम द कंटेस्टेंट्स आर वेरी गुड. ओके, आर यू फॉलोइंग बिग बॉस? जी हाँ, मतलब मैं एवरी एपिसोड तो नहीं देख रहा हूँ, लेकिन हाँ जैसे मेरी मदर देखती हैं तो उनसे पूछ लेता हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ. एंड नहीं तो ऑन एंड ऑफ डेफिनेटली देखता हूँ, इट्स ऑन माय टाटा स्काई रिकॉर्ड राइट नाउ. ओके, सृष्टि के बारे में क्या कहना चाहिए, कैसा प्ले कर रहे हैं, वेल या डल प्ले कर रही है? नहीं, आई थिंक सृष्टि इज़ अ, जो मैंने देखा है कुछ एपिसोड्स उसमें, बहुत अच्छा प्ले कर रही हैं. एंड शी इज़ अ वेरी फुल ऑफ लाइफ, रिस्की, मतलब अपने में यू नो लाइक इट्स अ जैसे चार, हाँ सेफ गेम खेल रही हैं, और जैसे दो तीन लोग बैठ जाएंगे तो मस्ती करेंगे, अच्छी बातें करेगी. शी इज़ अ पॉजिटिव पर्सन, ये एंड फोकस्ड है. अगर वो अपना फोकस नहीं हटाती हैं तो आई एम वेरी श्योर दैट शी शुड विन.
यू नो बिकॉज आई थिंक बिग बॉस विनर्स जितने भी रहे हैं इन द पास्ट ऑल्सो इफ़ यू सी देव ऑल बिन वेरी गुड पीपल एट हार्ट यू नो देव ऑल बिन वेरी गुड इंडिविजुअल्स जो ऑडियंस है वो किसी गलत इंसान को जीतने नहीं देगी तो आई थिंक सृष्टि भी आई थिंक शी इज अ वेरी राइट पर्सन टू विन द बिग बॉस ओके लास्ट दो सवाल टॉप थ्री में आप किसको देखते आई थिंक सृष्टि को देखता हूँ श्रीसंत को देखता हूँ बिकॉज श्रीसंत जो हैं वो आई थिंक बहुत ही प्यारे हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं मतलब वो ऐसा लग रहा है कि उनको जो अगर वो रूठ जाते हैं तो फिर मतलब वो माइक उतार के बोलते हैं मुझे बिग बॉस मुझे घर से बाहर जाना है मतलब कि ऐसा लगता है उनको कि बिग बॉस मतलब वो वेट कर रहे हैं कि सुशांत बोलेंगे और वो दरवाज़ा खुल जाएगा उनके लिए तो एंड सलमान सर भी उनको समझा रहे हैं कि देखो तुम्हें एक बहुत बड़ा मौका मिला है इट्स अ गेम 3 महीने में ख़त्म हो जाएगा इन्जॉय द फेज तो सुशांत जो है मुझे बड़े अच्छे लगते हैं और सी इट्स एंटरटेनमेंट ऑल्सो दैट ही इज़ फाइंडिंग द होल बिग बॉस सो अनकम्फर्टेबल तो ही इज़ वन एंड द थर्ड कंटेस्टेंट हुम आई फील इज़ गोइंग टू बी इन द फाइनल्स इज आई थिंक सौरभ the singer I think Deepak the singer because he is very I think wo gaon se aaye hain lekin matlab jaise kuch log kehte nahi ki are wo shahar ka hai to zyada intelligent aisa kuch nahi hai boss gaon ke log bhi bahut samajhdar hain suljhe hue hain ya shayad wo shahar walon se zyada suljhe hue hain aur wo shayad wo dikha rahe hain Deepak itna intelligent hai wo jo singer hain Deepak and he's a very nice boy iske alawa Jaslin Mathur और अनुप की जोड़ी जो है अनुजी की जोड़ी काफ़ी सुर्खियों में है क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप आई थिंक यू नो एक वक्त आया था जब आप देख रहे होंगे कि व्हाट्सएप पे आलोक नाथ जी के ऊपर बहुत सारे फॉरवर्ड्स आ रहे थे एंड उसके बाद अगर एक इंसान के बारे में अगर फॉरवर्ड्स आए वो हैं अनूप जी एंड जसलीन के बारे में मतलब हर दिन मतलब ऐसे ऐसे जोक्स आने लग गए कि यू नो हस्बैंड बोल रहे हैं वाइफ से कि यू नो हम भजन संध्या में जा रहे हैं तो बीवियाँ बोल रही हैं कि चुप करके घर पे दारू पियो यू नो ऐसे 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 फॉरवर्ड्स आने लग गए हैं एंड इट्स सो इट्स वेरी ब्रेव ऑफ अनूप जी एंड जसलीन टू कम ऑन अ शो लाइक दिस ऑन अ प्राइम टाइम एंड यू नो मेकिंग द रिलेशनशिप पब्लिक एंड सी देखिए किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में आई थिंक टुडे कमेंट करना इज़ वेरी रॉन्ग बिकॉज जिंदगी जो है इफ इट्स ओके विद अनूप जी एंड इफ इट्स ओके विद जसलीन देन You should be happy for their happiness, because एक इंसान जो है you don't know what those two people are going through in their lives, you know. They might be lonely, they might be complimenting each other, they might be happy with each other. But I think doing it in Big Boss is a very wrong decision according to me, because Big Boss is all about making the person uncomfortable somewhere. I think and बाकी के जो लोग हैं वो भी उन्हें question करेंगे तो अगर वो Big Boss में 3 महीने अगर अनूप जी और जसलीन अगर survive कर गए तो फिर they'll have a great life ahead. All the fans and all the followers, I would like to say thank you so much for all your love and you'll see me very soon on air and keep loving me. Thank you. Thank you, thank you.